अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना इस्तेमाल निजी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है हर बार उस पस वाली शख्सियत से मिले जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटीज़ भी हो। तो माशाल्लाह आजकल जिस पर्सनालिटी से आप गुफ्तगू कराएंगे, एक बिगनिंग पर्सनालिटी है जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे ऑफिसर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े, आज की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी रईस अहमद अली सोडर साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान है। चलेंगे उस पर्सनल तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके चाहने वाले, आपके वॉन्टर्स, आपके अवाम, आपके वो फ्रेंड जिनके साथ आपने एक कीमती वक्त गुजारा है, क्योंकि माशाल्लाह आप एक एसपी रैंक पे आपने काम किया है, आपके बहुत सारे मिसाल हैं। चाहे हमारा कोई भी ज़िला हो, चाहे लाड़काना हो, जिकमाबाद हो, या जिस जिस इलाके में आपने काम किया है, तो आपने एक बेहतरीन वक्त गुजारा है। आपने जो हसीन लम्हात गुजारे थे अपनी ज़िंदगी के, वो थोड़ा बताएं। आप के देखने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, वो जो आपके हसीन लम्हात थे, जी जी, तो वो थोड़ा शेयर करें। थैंक यू। मैं 75 में एज ए साहब बना। जी जी। और ज्यादा नौकरी मारी जिकाबाद में रही, घोटकी में भी रही, सक्कर में भी रही, नौशहरो, नवाबशाह, लाड़काना, बहुत से मैंने काम किए। डाकू से महाड़ा अटकाया। जी जी। और गरीब आदमी की खिदमत की। सही। मुझे जो भी नौकरी मैंने की है, किसी के साथ कोशिश की तो किसी के साथ ज्यादती ना हो, ना कंप्रोमाइज ना करना, कोशिश ये भी हुई कि फैसला करें सही सही। थाने पे भी मैंने फैसले किए। हाँ बिल्कुल सही। अदालत में क्या मिलता है, थाने थाने पे भी मैंने फैसला, क्योंकि मैं बैकग्राउंड से मैं मेरा बाप बिल्कुल था, बिल्कुल वो जमींदार था, बिल्कुल बिल्कुल फैसला करता था, नेकमत था, तो वही सोच आप रख कर, वही सोच थी मेरी, तो आप ड्यूटी भी कर रहे थे और वही काम कर रहे थे। अच्छा सर एक बात और, हर बच्चा होता है, कोई भी बच्चा होता है वो अपने ख्वाब पहले संभालता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, क्या पुलिस को चूज करना आपका ख्वाब था, क्या एक्सीडेंटली आपने पुलिस में आ गए? मेरा ख्वाब था, जाना था पुलिस, मुझे तो मुझे पुलिस जी ज्वाइन करनी थी। अच्छा, वो आपका तजुर्बा कैसा रहा, क्योंकि ये नहीं होता है कि हर बंदा जो चीज सिलेक्ट करे वो उसके लिए बेहतर हो, तो वो पुलिस वाला आपका ख्वाब चूज करना वो कैसा था? मेरा पुलिस को चॉइस करना हम मेरे लिए फख्र है। सही। जो मैंने काम किए हैं शायद किसी ने काम नहीं की। सही। और मैंने जो पब्लिक की खिदमत की है शायद किसी ने नहीं की है। सही। और मैं क्या बताऊं, मैं जहां भी आप जहां जहां मैंने ड्यूटी की है, नौकरी की है, सही, आप जिस जिले में जाएंगे किसी से भी पूछेंगे, बटेरे से पूछेंगे, गरीब आदमी से पूछेंगे, सही, अपने डिपार्टमेंट पुलिस वालों से पूछेंगे तो मुझे सलूट करेंगे। सही। हमने किसी से ज्यादती भी नहीं की। सही। और अपने फोर्स का इतना तो ख्याल रखा, वर्कर्स सिपाही का, जमादार का, एएसआई का, हम उनको अपना बच्चा समझते थे, तो ये हमारी औलाद है। जब तक कोई भी ऑफिसर ये नहीं करेगा तो ये सिपाही है क्या है, जमादार है क्या है, वो कामयाब कभी भी नहीं होगा। अच्छा। जब तक अपने जेदस को, अपने मातरत को, अपना उजबा, अपना अजीज, अपना रिश्तेदार नहीं समझेगा तो वो ऑफिसर कामयाब नहीं होगा। अच्छा सर, पुलिस वर्ड की असल एब्रीवेशन क्या है, क्योंकि ज्यादातर हम किसी से भी पूछ रहे हैं आजकल जो भी ऑफिसर आ रहे हैं, तो पुलिस मीनिंग्स कि एब्रीवेशन किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि आपने एक शान ड्यूटी की, एसपी की हम बास फखर एसपी हैं हमारे लिए, तो नाजरीन को ताकि ये भी बताएं कि पुलिस की एब्रीवेशन क्या है,
असल मकसद उसका क्या है, ताकि पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है उनको भी पता चले, और आजकल जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी पता चले कि पुलिस की असल एप्लीकेशन ये है। पहली बात तो पुलिस ऑफिसर को बाखलाक होना चाहिए, सबसे पहले बाखलाक। पे मींस वर्ड की एप्लीकेशन होती है ना पुलिस जी, पुलिस पोलाइट होता है, यही चीज में इनको अभी पोलाइट पोलाइट है और रॉयल है जी जी, और इंटेलिजेंस है जबरदस्त, और कॉन्फिडेंस है सही, यही है पुलिस में ये लफ्ज होने चाहिए। अब आप वही से शुरू करें जो बता रहे हैं कि भाई पुलिस को पहले से ईमानदार होना चाहिए। पुलिस को पहले से ईमानदार होना चाहिए, सबसे पहले तो उसको बाखलाक होना चाहिए सही, उसके बाद उनके जो जेरदस्त हैं जो जितना SHO है तो उनके नीचे वाले, SP है तो उनके नीचे वाले सही, उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, उनको डांटे ना सही, और उनकी देखभाल करें, उनको क्या तकलीफ है उनका मसला अपना समझे सही, जब उनको प्यार देगा मोहब्बत देगा उसकी इज्जत करेगा तो वो हमारे बाजू है सही, वो बाजू है तो हमसे भी वो सिंसियर होंगे सही। इन्फॉर्मेशन काम तो नीचे वाले करते हैं ना, SP कुछ भी नहीं करता, नहीं करता, नीचे वाले करते हैं सारा काम, नीचे करते वो तो हुक्म देते हैं ये करके आओ, हाँ बिल्कुल हाँ, करना सब SHO सिपाही को करना है। तो जब तक इन पर मेहरबानी नहीं होगी, हाथ शफकत का ऊपर वाले ऑफिसर का नहीं होगा तो वो काम नहीं करेंगे सही। तो आजकल के जो SP है वो तो आपको भी पता होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है उसके हाँ। अच्छा आपको ज्यादा मजा किस इलाके में आया ड्यूटी करते हुए? मुझे जैकबाद, जैकबाद जी। अच्छा ये तो जैकबाद इलाका बहुत वैसे खतरनाक खतरनाक इलाका भी है हाँ, लेकिन मुझे उधर बहुत मजा आया। अच्छा जब आप ऑन द ड्यूटी थे तो जाहिर सी बात है पुलिस में ही आपने दोस्त बनाए होंगे जी, तो वो आपको दोस्त आजकल आपको याद आ रहे हैं जिनके साथ आपने वक्त गुजारा है? काफी वो ही दोस्त है जो जहाँ मैंने ड्यूटी की तो अभी भी मुझे याद करते हैं, मेरे पास आते भी हैं, तो शादी के में अच्छा। मैं उनके पास जाता हूँ वो मेरे पास आते अच्छा। हैं। सलाम अलैकुम नाज़रीन, आपका अपना ऑस्ट्रेलिया मामले जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ यासिर खान सत्ती साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। लेकिन मीर यासिर खान ने का अपना ख्वाब क्या था? कुछ भी नहीं सर, एक होता है चीफ सरदार जी, जी एक होता है उसका बेटा, तो सरदार दादा ही हम उसे कहते हैं जी, जी, जी। बिजनेस करना, कारोबार करना, तो सियासत का सफर कैसा रहा? सियासत का सफर कैसा? सर मैं अपने आप को सियासत हम बिल्कुल भी नहीं मानता। आपके टाउन चेयरमैन होने से यहाँ के इलाके के लोगों को आपकी तरफ से गौर से बेनिफिट्स मिले हैं? कभी कभी हमें देखने में मिलता है ऐसे ठुल के इलाके में इतना खूबसूरत आपने माहौल बनाया है ज़राअत के हिसाब से कर रहा है। सर जी ये मेरा अपना शौक है, ये मुझे तकरीबन ये इतनी बड़ी ज़मीन नहीं है, आपको पता होगा दोस्त जो आपसे मिलके भी गया हो, आपका दोस्त भी हो, लेकिन जाकर दूसरे दिन आपको पता चला कि ये मुकाबले में डाकू ने हलाक कर दिया, ऐसा कोई दोस्त या ऐसा कोई वाक्य? अच्छा सर फिर रिटायर होने के बाद आपने फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन की जी, तो आप समझते हैं कि आप जैसी शख्सियत जिसने बेहतरीन जिंदगी गुजारी है आवाम के लिए, आवाम के लोगों के लिए, उसका फौरन सियासत में आना, ये भी एक आदमी जब पुलिस में होता है किसी भी नौकरी में होता है तो जब रिटायरमेंट होता है ना तो
तो उसका वक्त कैसे गुजरे? सही, वो तो बिजी होता है। बिजी होता है बिल्कुल, नौकरी में होता है तो बिजी होता है। सही, वो फारिग होता है तो हमारे जो भेज था 100 का था, वो कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, कोई बेरोजगार हो सही, गया सही। हमारी इतनी करप्शन पुलिस में है लेकिन मैं इतना नहीं, जो रिटायरमेंट के बाद वो उनके पास इतने पे के बाकी जिंदगी सही तो अपने गांव के भले रह से अपनी जमीन भी है सही, बेदादे की जमीन भी है सही। तो सियासत में आने से फिर भी आवाम की खिदमत करनी पड़ती है सही। हाँ, अभी भी मैं अपने गांव में जो मैं करता हूँ सियासत में न होता सही, तो हमारे गांव में बाजारी का गांव है जी बिल्कुल, सुई गैस है, बिल्कुल सुई गैस भी है सही, अपने बाजारी में सुई गैस भी है, ड्रेनेज सिस्टम भी है सही, बिजली 6-7 ट्रांसफार्मर में बाजारी में। अच्छा, बेहतर। हाँ, बिजली का भी, बिजली का मजबूत सिस्टम है हमारे पास। और मिडिल स्कूल में, स्कूल प्राइमरी में 2-3 है, गर्ल्स 2-3 है। और हम तालीम, हमारे गांव में इतनी तो तालीम है शायद किसी पक्के शहर में इतनी नहीं है। सही जबर। एक एक घर में एक एक दो दो नौकरियां। अच्छा। हाँ, एक एक दो दो नौकरियां। बहुत मेहनती है हमारे लोग, वो हमारे पर आशिक है सही, और हम अपने गांव वाले पर आशिक है। अच्छा, पुलिस वाला तजुर्बा और सियासत वाला तजुर्बा? पुलिस का अपना काम है, सियासत का अपना काम है। अभी पुलिस, अभी तो मैं गांव का हूँ, वार्ड का काउंसलर हूँ। नहीं सर, पहले आप का काम था ऑर्डर देना। हाँ, और लोग को ओबे करना जी, और उसके बाद आप सियासत में आए हैं तो वो थोड़ा तजुर्बा। तजुर्बा हर एक आदमी का अपना रोल होता है, सही होती है। हमारा गांव वाले जो भी है ना, वो मेरे पर आशिक है। सही, वो मैं कहूँगा इधर खाई में खुद उधर गिरेंगे। अच्छा, इधर अपने को कतलाम करे वो कतलाम। मेरे पर मोहब्बत है, मेरी अपने गांव वाले से इतनी मोहब्बत है जैसे अपने मेरा बेटा है, हम सबको बेटे समझता हूँ। वो सारे गांव वाले मुझे बाप समझते हैं। अच्छा। इतना तो हमारा आपस में प्यार है। अच्छा, सियासत में आपकी पसंदीदा शख्सियत? अभी तो साथ में नवाब सरदार खान और गुलाम खान साथ हैं, और उनके साथ हमारा रास्ता वास्ता कम पड़ा कम पड़ा ऐसे। हाँ, तो ये हमारे लिए काबिल एहतराम। अच्छा सर, जिंदगी का कोई ऐसा दुख जिसने आपकी जिंदगी को? बस एक बेटा है, उसने बहुत दुख दिए। अच्छा, ये है आपकी जिंदगी का? आप जैसी शख्सियत को भी। चलो, फिर भी आप उसके लिए दुआई करें। दुआई के बाप है। अच्छा, ऐसी कोई खुशी जो आपको एक्सीडेंटली मिल गई हो अल्लाह की तरफ से? बहुत सारी खुशी है। अच्छा। हाँ, सारे बच्चे मुझे वो भी ढंगते हैं, बाकी जो है मेरा बेटा एक सीएसएस ऑफिसर है, सारे नौकरी में, बच्चियां नौकरी में, बेटे नौकरी में। ऐसी कोई खुशी जो रह गई हो? ऐसी कोई खुशी बाकी नहीं रही। मदीना गया हूँ, हर साल मदीने जाता हूँ, उमरा 8-9 उमरे किए हैं, हज किया है, अभी क्या रहा है, अभी कुछ भी नहीं रहा, बहुत खुशी। अच्छा, सियासत में ऐसा कोई हाल? सियासत में इतनी हमारी पोजीशन नहीं है, फिर भी बंदा को आप देखता है। हाँ, कहता हूँ तो मैं भी एमपी बनूं। आपका काम है? है, लेकिन हमारे नवाब है, उनके सामने पार्टी टिकट देगी नहीं, पार्टी ऊपर वास्ता नहीं है हमारा सदर साहब से, यहाँ मोहतरमा फरियाद साहब से केस करते हैं, यहाँ वो हम अप्लाई करते हैं तो जवाब नहीं देते, लेकिन हम अपनी पार्टी से सिंसियर हैं। जबरदस्त सर, क्या कह रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का टाइम महदूद होता है, लास्ट में आप जैसी पर्सनालिटी से, क्योंकि माशाल्लाह आप वो पर्सनालिटी है जिसने जिंदगी के हर चीज देखी है, खुशी हो, गम हो, कामयाबी, हर चीज आपने देखी है, तो आज यहाँ के जो यंगेस्टर हैं, जो नौजवान हैं, बिल्कुल अपनी लाइफ सर्व नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लिए आपका मैसेज क्या होगा? मैसेज ये होगा, तो
पहली बात तो कुछ इस्लाम की तरफ जाए सही, तो जो असल तो हम मुसलमान हैं बिल्कुल बेशक, तो नमाज रोज़ा ये ज़रूरी है, उनके बाद मेहनत तालीम में अपनी मेहनत करें सही, और जो तालीम में मेहनत करेंगे तो नौकरी नहीं मिलती है सही, तो आप धंधा भी कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं सही, फॉरेन में जा सकते हैं, मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है सही, मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू नाजरीन, आपको बताना चलूं कि आज जिस पर्सनालिटी से आपने गुफ्तगू की है वो ऐसी पर्सनालिटी है जिसने अपनी ज़िंदगी चार अचानक गुजारी है, गरीबों के लिए सारी जिंदगी मेहनत की है, और एक ऐसे उहदे पे फाइज है एसपी के उहदे पे जिसने वो काम किए हैं शायद किसी ने ना किया हो, आज वो पर्सनालिटी थी जिससे हमने आपको गुफ्तगू कराई। लेकिन क्या करें नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, उस टाइम से चलना पड़ता है। लास्ट में मुझे और आज ही खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाजत, कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश्व वाल द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद।